कश्मीर काउंसिल के मेंबर रहे हैं, उन्होंने इंतखाब में हिस्सा लिया, तो हमने भी एक सियासी कारकुन के होने के नाते ये मुमकिन नहीं होता कि सियासी कारकुन को इंतखाब आए और वो अपने घर बैठा रहे। पार्टी को तब हमारी ज़रूरत नहीं थी, तो हमने चौधरी मोहम्मद सदीक भटली साहब को उस इलेक्शन में सारे साथियों ने सपोर्ट किया। अब पाकिस्तान तहरीके का उसके बाद हमने भी इंतखाब में हिस्सा लेना था, हमने अपनी ग्रुप की हम उसके लिए कोशिश करते रहे और मामला हमारे इतने आगे चले गए कि जब तहरीके इंसाफ के वो लोग जिनको दौरे इक्तदार में तहरीके इंसाफ की हुकूमत ने बहुत नवाजा, उनका इज्जत एहतराम बहुत सारे लोगों से ज़्यादा किया, लेकिन मुश्किल वक्त में वो तहरीके इंसाफ को छोड़ गए और उन्होंने अपनी सियासी लड़ाई पीटीआई से जुदा कर दिया। उससे पहले क्योंकि हम अपने सियासी फैसले कर चुके हुए थे और हमने अपने इलेक्शन के सिलसिले में 2024 के इलेक्शन के सिलसिले में अपनी ग्रुपिंग अपनी तबोदो स्टार्ट की हुई थी और उसी प्लेटफॉर्म में उसी ग्रुपिंग के तहत हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया और आप सब जानते हैं कि हमने वो इलेक्शन जीता, आज़ाद हैसियत से जीता। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान के बेशतर हलकों में फॉर्म 47 तब्दील किया गया और हमें भी 9 तारीख को उस इलेक्शन में हरवाया गया, इस बात का सारा इलाका, सारा ज़िला और तमाम सियासी लोग जो सियासी इंतखाब से दिलचस्पी रखते थे उन सारों के इलम में है कि इस तरीके से इलेक्शन में अल्लाह ताला ने हमें अक्सरियत दिलवाई और हम ही जीते। अब क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन आया है और उसमें हम तो पहले भी तहरीके इंसाफ के साथ ही थे और आज भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क़यादत और जमात मुश्किल वक्त में है और हम आज फिर तहरीके इंसाफ के साथ ही हैं। और अपने टिकट के लिए हमने तहरीके इंसाफ को अप्लाई किया है, दीगर जो उम्मीदवार थे जो तहरीके इंसाफ से दिलचस्पी रखते थे उन्होंने भी अप्लाई किया है, जो क़यादत फैसला करेगी इंशाअल्लाह ताला इस इलाके की अक्सरियत तहरीके इंसाफ की बेहतरी के लिए काम करेगी। और मैं समझता हूँ कि हम 2018 में जब तहरीके इंसाफ आज पसीराई के लिहाज से, अवामी पसीराई के लिहाज से इस जगह पे नहीं थी, 2018 में हम तब भी तहरीके इंसाफ के साथ थे, आज मुश्किल वक्त में हम फिर तहरीके इंसाफ के साथ हैं। तहरीके इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने के कहाँ हैं और तहरीके इंसाफ की क़यादत अगर हम पे इत्मीनान करती है तो इंशाअल्लाह ताला तहरीके इंसाफ के वर्करों, तहरीके इंसाफ के वोटरों, सपोर्टरों के साथ मिल के हम बेहतरीन नतीजा इंशाअल्लाह ताला के किसी तरह से। मैं तमाम ज़िली क़यादत का तहरीके इंसाफ की मरकजी क्यादत का भी, सूबाई क्यादत का भी, सेंट्रल पंजाब की क्यादत का भी मशकूर और शुक्रगुजार हूँ कि जो हैसियत उम्मीदवार मुझे भी अपने टिकट के लिए कंसिडर कर रही है। मैं आप सबका भी मशकूर हूँ कि आप सब यहाँ पे इकट्ठे हुए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सबको अपने उस पर अजाय में कामयाबी से नवाजे और 21 अप्रैल का सुबह जिस इलाके में तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार का कामयाबी का जमान है। अब इसके बाद मैं दावा देना जिला नागवाल की शान आज दे प्रोग्राम दे मेजबान और नागवा दे पीटीआई दे
आई या तरस्त आई, मैं स्टेज पर बैठे हुए तमाम कायदीन का शुक्रगुजार हूँ कि मुझसे स्टेज बैठे हुए तमाम कायदीन का शुक्रगुजार हूँ और आप सबका भी, आप मुख्तसर एक दो घंटे के मोरस पर यहाँ जमा हुए और हमारे प्रोग्राम को आपने रौनक दी। इसके साथ साथ मैं आपसे चंद गुजारिशें करना चाहता हूँ, वो ये है कि मैंने जो अवैस कासम साहब को खुद दावत दी वो पीटीआई का टिकट अप्लाई करें, क्योंकि मैं इस हल्के का रहायशी हूँ और मैं बखूबी समझता हूँ कि कौन कैंडिडेट अच्छी तरह से लोन लेके ठहराई जा सकता।
कुछ वक्फे के बाद आए थे दोबारा असी आए थे असी पीटीआई थे अमरान खान के जान साहब होती है सीटे में अपनी कंट्रीब्यूशन अपना हाँ जो कुछ असी कर सकते हैं वो असी करिए और इन्हों के इस इलेक्शन के इन्हों के हाथ मजबूत करिए ते मैं दोबारा कोई अवैस का समझा अलानिया शुक्रिया अदा करना कि वो साढ़े हम सफर बने ने साढ़े पीर भाई बने ने अगर वो पीर भाई बने ने तो अल्लाह की कसम साढ़े जान माल हर चीज इस मुश्किल वक्त के बीच एक किसी वक्त का दबा के देख रहे सानू ਪਰਚੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀ ਹੋਵੇ ਨਾਰਵਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮਾਰ ਜਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਾਦੀ ਵੀ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੀ ਜਾਨੀ ਹਰ ਵਕਤ ਤਿਆਰ ਸੌ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪਠਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰੀਕ ਪੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਨ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਮਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਨਾਜ਼ਕ ਜਿਹੀ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਜਾਨ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਗਾਨੀ ਕੌਮ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਅਵੈਸ ਕਾਸਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਆਂਗਾ ਇਸ ਗੱਡੀ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਪੀਰ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣੇ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫੈਜ਼ਯਾਬ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਖੀਰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੂਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਉਹ ਉਹਨੇ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਯਾਰ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਖਾਈ ਕਰਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ ਹੁਣ 70 ਸਾਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਰਬਦਾਰ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਈ ਲੰਦਨ ਕੋਈ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਉਖਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਦਿਲ ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਮਾਰ ਚੁੱਕੀ ਵੈਸਾ ਸੰਦੇ ਰੰਗੋ ਆਹਾਰ ਹੈ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਹਰ ਵਕਤ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਾਲ ਦੀ ਮੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਸਰ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਕਿ ਆਪਨੇ आठ मई का इलेक्शन जो है वो एक पूरे पैनल के साथ जो है वो फाइट किया था 8 फरवरी का तो इस 8 फरवरी के इलेक्शन में जो पीटीआई में शमूलियत है ये सिर्फ अवैस कासम की सतह पर है कि या पूरे पैनल की शमूलियत है इसमें तो इंतजार कर
ये इलेक्शन पीपी चव्हाण का इलेक्शन है और पीपी चव्हाण के तमाम साथी जो हमारे साथ इस इलेक्शन में चले थे यहाँ मौजूद हैं, कुछ साथी यहाँ मौजूद नहीं, बहसीयत ग्रुप हम पीटीए में शामिल हुए हैं और पीटीए के टिकट के उम्मीदवार हैं, क्योंकि इलेक्शन सूबाई असम्बली का हो रहा है लिहाजा भी बात सूबाई असम्बली के पीपी चव्हाण की ही होगी। तो तमाम साथी हमारे जो हमारे साथ 8 फरवरी के इलेक्शन में साथ थे वो सारे उसी तरह मौजूद हैं और साथ हैं और इस इलेक्शन में सपोर्ट करते हैं। सर आपने अभी अपनी स्पीच में ये कहा कि 8 फरवरी को हम जीते थे और 9 फरवरी को उन्होंने इलेक्शन जीत लिया, तो जो 21 अप्रैल को इलेक्शन होने जा रहा है उस बारे में आप क्या कहते हैं, क्या इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा उस दिन भी? मैं ये समझता हूँ कि वो एक मुख्तलिफ माहौल था और जितनी बदनामी और रसवाई इस हुकूमत की उस इलेक्शन में धांधली करवाने की वजह से हुई है और अब तो बातें बैनुल अक़वामी दुनिया में भी होना शुरू हो गई है, वहाँ भी ये इलेक्शन एक सवालिया निशान इस पर लग गया है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे मुल्क के जो अदारे हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस इलेक्शन को मुनसफाना करवाने की भरपूर कोशिश करेगा। हमारा काम है कि हमने तवज्जो करनी है और असारा करना है। और मैं एक और आपको बात बताता जाऊँ कि अगर हमारे दोस्तों साथियों ने फॉर्म 45 लिए होते और हमारे पास उस दिन वो मौजूद होते तो अल्लाह के फजल करम से हम वहाँ नतीजा अपना फॉर्म 47 और फॉर्म 45 के मुताबिक लेके ही उठते, हमारे हमारे पास तो सारे फॉर्म 45 मौजूद ही नहीं थे तो हम किस बात का वहां पे तकरार करते। सर क्या पीटीआई कोई अपनी हिप के अमले उस दिन अपनाएगी? देखिए जी अभी तो पार्टी इलेक्शन शुरू हुआ है, पार्टी ने 2 से 3 दिन में टिकट अनाउंस करने हैं, उसके बाद ये सारी हिपें अमली होनी है और पूरे पाकिस्तान में चंद इलेक्शन है और डेफिनेटली हर सियासी जमात की एक हिपें अमली होती है, तरीके साफ भी अपनी हिपते अमली होते हैं। दोहरी शहरियत में तो कानून बड़ा वादा है कि जो ड्यूल नेशनल है वो पाकिस्तान की असेंबलियों के इंतखाब में हिस्सा नहीं ले सकता। अब ये मामला आरओ के पास भी एजुकेट हुआ था और मेरा ख्याल है कि वहाँ हमारे कागज एक्सेप्ट हो गए थे, तो अब अगले फोरम पे इस बात को देखना चाहिए। भाई साहब आपने एक अपना बयान दिया जिसमें आपने कहा था कि पीटीएम में शामिल होना आपका गलत फैसला था, तो आपके पास वो फैसला आपका सही हुआ कि ये फैसला? जी आपने बड़ा खूबसूरत बड़ा अच्छा और मैं चाहता था कि कोई क्वेश्चन ये करे लेकिन आपकी मेहरबानी आपने ये क्वेश्चन किया। देखें 2018 में जब मैं तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ था तो उस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों में कहीं तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का वोट बन चुका था, कहीं पे ज्यादा था कहीं पे कम था, और उस वक्त की जो तहरीक इंसाफ जब हमें टिकट मिल गए तो जो तहरीक इंसाफ के साथ यहाँ पे लोग मुंसलिक थे उन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया, उस लिहाज से मैंने ये कहा था कि मेरा वो फैसला दुरुस्त नहीं था, क्योंकि जब टिकट मिल जाए तो फिर अपनी पार्टी की क्यादत के फैसले को सरे खान तस्लीम करना चाहिए। अब सूरत हाल मुख्तलिफ है, अब वोट ना आपके काबू में है ना मेरे काबू में है।